हेलो बच्चों, तो अपन न्यूमेरिकल कर रहे हैं और आज इस वाले लेक्चर के अंदर बच्चे भी जितने भी न्यूमेरिकल हैं उन्हें कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आप सभी तैयार हैं? चलिए मेरे साथ में आप काम करते जाएं, न्यूमेरिकल वैसे भी आपको समझ में आ जाएंगे क्योंकि अपने इस पर्टिकुलर चैप्टर में इतने टिपिकल न्यूमेरिकल है नहीं बच्चों, है ना, इजी न्यूमेरिकल्स हैं। चलिए तो 11th 11वां सवाल आप पढ़ रहे हो, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। 30 माइक्रो गुलाम के एक आवेश को एक्स वाई निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। चलो निर्देशांक देखो बच्चों, मेरे को याद आ रहा है कोई सवाल? अगर आपको भी याद आ रहा हो तो एक सवाल अपन ने किया है ऐसा, इस तरीके का सवाल जिसके आंसर शून्य आ रहे थे। आपका 5वें नंबर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, वो ऐसा ही है, बस आवेश चेंज हो गया। वहां 10 माइक्रो गुलाम थे या 30 माइक्रो गुलाम है, लेकिन आवेश से तो फर्क पड़ा ही नहीं। दोनों बिंदु जो है वो दोनों के दोनों समान दूरी पर है, तो ये वो तो शून्य होगा, अभी वो आंसर थोड़ी शून्य होगा। ठीक है, चलिए 12वें सवाल के ऊपर आ रहा हूँ। 11वां हो गया सवाल, शून्य आएगा आंसर। ठीक है, 12वां सवाल देखो। तीन आवेश माइनस का क्यूब प्लस का क्यूब प्लस का क्यूब क्रमशः एक्स वाई तल में शून्य तथा शून्य कोमा ए, थोड़ा सा गलत है, शून्य कोमा माइनस का ए कर लीजिए, अगर आपको सामने माइनस का ए दिख रहा है तो बहुत सही, बिंदुओं पर स्थित है। अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली रेखा पर आर दूरी पर सिद्ध कीजिए कि वह का मान निम्न होगा। सवाल निहायत ही बढ़िया है बच्चों, कैसे गौर समझो। तो हमने बोला कि तीन आवेश बोल रहा है वो, तो ऐसा एक्स वाई निर्देश तंत्र बनाया अपने, ये एक्स वाई निर्देश तंत्र, और इस पे तीन आवेशों के निर्देशांक, तो पहले निर्देशांक छाटो। शून्य कोमा जीरो कहाँ होगा, सॉरी शून्य कोमा जीरो क्या होता है, शून्य कोमा ए है। ठीक है, तो शून्य कोमा ए वाई एक्स पे होगा या फिर एक्स एक्स पे होगा, वाई एक्स पे होगा बच्चों, एक्स का तो जीरो दे रखा है, तो हमने बोला कि 0, a जो है वो इधर होगा। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट दे रखा है ये, और तीसरे में माइनस का ए है बच्चों, तो वाई एक्स पे ही होगा लेकिन नेगेटिव में, तो 0, माइनस का ए। यहाँ पर तीन आवेश कैसे हैं, यहाँ पर माइनस का क्यू है, यहाँ प्लस का क्यू है, और यहाँ पर भी प्लस का क्यू है, और इसके कारण अक्ष से थीटा कोण, ये अक्ष हुआ जहां पर आवेश है, ये बात ध्यान में रखना, और इस अक्ष से थीटा कोण, तो अगर यहां पर अगर मैं कोई पॉइंट पी मानूं और ये वाला एंगल थीटा मान लेता हूं, थीटा कोण बनाने वाली रेखा पर आर दूरी पर, तो ये बिंदु जो है वो आर दूरी पर होना चाहिए मूल बिंदु से। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि इस बिंदु पर विभव जो आपको सामने दिया हुआ है वो आपको सिद्ध करना है। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ बच्चों, इस तरीके का अपन ने काम कर रखा है, पी बिंदु आर थीटा एंगल द्विध्रुव वाले केस में, तो इसका मतलब है इसमें कहीं द्विध्रुव का लॉजिक है। कहां से देखो, एक माइनस का क्यू आवेश और एक प्लस का क्यू आवेश, और उनके मध्य बिंदु से आर दूरी और थीटा एंगल दूरी बिंदु, तो ये माइनस का क्यू और प्लस का क्यू मिलकर के क्या बनाएंगे, द्विध्रुव। तो हमने इसको नाम देना है, इसको नाम दे रहा हूँ ए, इसे नाम दे रहा हूँ बी, और इसे नाम दे दिया ओ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले तो ए बी द्विध्रुव के कारण पी बिंदु पर विभव देखेंगे, तो दोनों का एक साथ हो गया इन दोनों का, चलिए, और फिर क्यू के कारण उस बिंदु पर विभव देखेंगे, ऐसे ही करें। तो हमने लिखा ए पी द्विध्रुव के कारण पी बिंदु पर विभव, ए बी द्विध्रुव के कारण पी बिंदु पर विभव कितना होगा, तो हमने लिखा द्विध्रुव भी तो है ना, डायपोल कर देता हूं, ठीक, कितना भाई, के पी कोस थीटा डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, आर स्क्वायर, यही था, आपको पता चल जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो द्विध्रुव मतलब ये दोनों आवेश तो हो चुके हैं, अब बच्चों ओ वाला आवेश बच गया, तो लिखा ओ बिंदु पर स्थित आवेश, ओ बिंदु पर स्थित आवेश के कारण विभव, कहां पर, पी बिंदु पर, तो बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विभव कितना होता है बच्चों, कितना, के क्यू डिवाइडेड बाय आर या आर स्क्वायर, के क्यू डिवाइडेड बाय आर, इतना ही होता है। दो विभव आ गए, इसके और इसके कारण एक, और एक इसके कारण, और विभव क्या होता है, बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। तो
हमने बोला अतः पी बिंदु पर कुल विभव जो है बिंदु आवेश के कारण विभव प्लस द्विध्रुव के कारण विभव का बीजगणितीय योग होना चाहिए। फिर बिंदु आवेश के कारण विभव कितना 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 ओके मैं वहां पे क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे देखो के क्यू डिवाइडेड बाय आर और इसके कारण कितना के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को जो कम लेना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो के नहीं लिख रहा है बच्चों, क्वेश्चन में के नहीं लिख रहा, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट लिख रहा है, तो ये तो उतार लिया होगा, के को कॉमन लो यहाँ से, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर क्यू बटा आर और ये कितना हो जाएगा पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यही तो होगा। चलिए पी की जगह देखो, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो क्या लिखा हुआ है क्यू इंटू टू ए, तो आप पी की जगह तो क्या लिखेंगे ये आपको पता ही होना चाहिए, क्यू इंटू क्या आएगा टू ए आएगा, और के की जगह आप क्या लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बात समझ रहे हो क्या मेरी, तो ये अगर सॉल्व करते तो ये कुछ ऐसा होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर, पी की जगह मैं लिख देता हूँ क्यू इंटू टू ए और कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, दैट विल बी द आंसर, यही प्रूव करना था हमें। ठीक है, समझ में आ गया होगा, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया क्योंकि जगह इतनी थी अपने पास में। चलिए अगला सवाल 13वां देखें, आवेशों प्लस का क्यू टू क्यू और प्लस का फोर क्यू को एक भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने पर कितना कार्य करना पड़ेगा। ऑल राइट, समबाहु त्रिभुज ये भी दूरी ए, ये भी दूरी ए, ये भी दूरी ए, ऐसा ही माना जाए क्योंकि ऐसा ही बोल रहा है, ए मीटर का, ये आवेश q, ये 2q और ये 4q। देखो भाई तीन आवेशों से निर्मित निकाय और इस निकाय की आपको क्या ज्ञात करनी है, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। एक मिनट रुक जा भाई, है ना, तो ये तीन आवेशों से निकाय की अपन को क्या निकालनी है, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। किस तरीके से काम करेंगे वो देखो बच्चों, तो अपन को क्या फॉर्मूला देखना है, किया गया कार्य बराबर क्या हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर वन टू, फिर के क्यू वन क्यू थ्री डिवाइडेड बाय आर वन थ्री और फिर क्या के क्यू टू क्यू थ्री डिवाइडेड बाय आर टू थ्री। ठीक है, यही किया गया क्या होगा कार्य होगा। अब आपको क्यू वन क्यू टू और क्यू थ्री छांटना है, तो मैं इसको बोल रहा हूँ क्यू वन, इसको बोल दिया क्या क्यू थ्री और इसको बोल दिया क्या क्यू टू। ठीक है, आप कैसे भी रैंडम ले सकते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने लिखा के क्यू वन, क्यू वन का मान कितना है क्यू, क्यू टू का मान देखो, क्यू टू का मान ये रहा फोर क्यू डिवाइडेड बाय आर वन टू, इन दोनों के मध्य की दूरी बच्चों ये सभी दूरियां यही मिलेंगी, बस के क्यू वन का मान क्यू, Q3 का मान 2Q और R13 इन दोनों के बीच का A, फिर K Q2, Q2 का मान कितना 4Q, Q3 का मान कितना 2Q डिवाइडेड बाय R23 की जगह दूरी देखो इन दोनों के बीच की A। देखो बच्चों मैंने इसे Q1, इसे Q3 और इसे Q2 लिखा है, आप अरेंजमेंट चेंज कर सकते थे, अब इसे Q3 मान लो, इसे Q1 मान लो, इसे Q2 मान लो, मतलब कैसा भी, आवेशों का नामकरण अपने ऊपर डिपेंड करता है, आंसर एक ही आएगा, उससे आंसर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए तो चार यहां से बाहर लिख दूं, के ऐसा का ऐसा क्यू इंटू क्यू क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे ए लिख दूं क्या, देखो ये क्या हो जाएगा टू के क्यू, क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर हो जाएगा ए, चार दुनिया आठ हो गया क्या ये आठ के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय, देखो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए तो सभी में कॉमन है, तो फिर क्या जुड़ेगा ये जुड़ जाएंगे, तो आठ दो दस हो जाएंगे और ये चार चौदह हो जाएगा क्या, चौदह के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, यही क्या है किया गया कार्य है। ठीक है, देखें आंसर,
यही आएगा। के की जगह आपको क्या लिखना है बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेना, आंसर मैच कर जाएगा। चलिए 14th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है। दो आवेशों 7 माइक्रोगुलाम तथा माइनस के 2 माइक्रोगुलाम जो क्रमशः निर्देशांक बिंदु दे रखे हैं आपको पर स्थित है के निकाय पर कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं है, इस निकाय की स्थिर विद्युत सॉरी इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। देखो दो आवेशों से मिलकर बना हुआ है निकाय, तो क्या होगी ऊर्जा, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर। सारी चीजें दी हुई हैं बच्चों, सारी चीजें दी हुई हैं। क्यू वन का मान देखो 14th क्वेश्चन के अंदर, क्यू वन का मान कितना है, 7 × 10⁻⁶ गुलाम। क्यू टू का मान कितना है, माइनस का 2 × 10⁻⁶ गुलाम, माइनस का ही दे रखा है ना। हाँ ठीक है, फिर दोनों के मध्य की दूरी, तो अगर आप निर्देशांक पढ़ोगे तो इसके तो है माइनस का 9 सेंटीमीटर कोमा 0 कोमा 0, और इसके पढ़ोगे तो 9 सेंटीमीटर कोमा 0 कोमा 0, मतलब ये तो प्लस के एक्स अक्ष पर और ये माइनस के एक्स अक्ष पर है। ठीक, और अगर आप ऐसे एक्स अक्ष को समझते हो, ये प्लस का एक्स है ये माइनस का एक्स है, तो मध्य में 0 भी तो आता है, तो प्लस का 9 सेंटीमीटर इधर है और 9 सेंटीमीटर इधर है, तो ये टोटल दूरी दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, 18 सेंटीमीटर। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी जिसे आप आर लिखेंगे ना, वो आर 9 सेंटीमीटर मत बना देना, वो कितनी है बच्चों, 18 सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं कि आर की वैल्यू जो है वो 18 × 10⁻²⁪ मीटर है। बताओ भाई स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर, आएगा नहीं आएगा, कितना 9 × 10⁻९, क्यू वन का मान 7 × 10⁻⁶। ऑलराइट, चलिए इस टाइम कैसे रहेंगे, गुणा 2 × 10⁻¹, एक आवेश माइनस का था, प्लस के आवेश को माइनस से गुणा करोगे, स्थितिज ऊर्जा माइनस की हो जाएगी बच्चों, डिवाइडेड बाय 18 × 10⁻²। तो ये तो है, 9 × 2 = 18 होते हैं क्या, खत्म। फिर 6 × 6 = 12, माइनस के 12 यहाँ पे, माइनस का 2 यहाँ पे, तो कट गया, तो माइनस के 10 हो जाएंगे, माइनस का 10 और प्लस के 9, एक रह गया क्या माइनस का एक। ठीक, तो हमने लिखा ये आएगा माइनस का 7 × 10⁻¹। सॉल्व करोगे तो 10⁻¹ मतलब बच्चों 10 का भाग लग रहा है, भाग लगाओ भी साथ में 10 का, कितना आ जाएगा 0.7 जूल, और वो भी कैसा, माइनस का। ये बात ध्यान में रखना, क्यों, क्योंकि विपरीत प्रकृति के आवेश थे ना, इसलिए स्थिति जो ऋणात्मक करिए। ठीक है, दोनों आवेशों को परस्पर अनंत दूरी पर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो बच्चों ये तो पास में लाने में, निकाय में लाने में किया गया कार्य है, तो अगर वापस से सेपरेट कर दोगे एक दूसरे को तो उतना का उतना कार्य ही करना पड़ेगा, लेकिन उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि यह किया गया कार्य परिमाण में समान है, लेकिन इस स्थिति में हमें कार्य विपरीत दिशा में करना पड़ रहा था, अतः यह किया गया कार्य 0.7 जूल होगा। ठीक है, उतना का उतना परिमाण में होना चाहिए, क्यों, क्योंकि समझो इस चीज को, क्या भाई हम बोल रहे हैं कि किसी आवेश को अनंत से यहां तक लाने में किया गया कार्य जो कि ये आ गया, तो उसी आवेश को वापस से वहां तक ले जाने में भी तो उतना ही कार्य करना पड़ेगा, बस उसकी दिशा क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है, तो अगर ये प्लस का कार्य है तो ये माइनस का होगा, और अगर ये माइनस का कार्य है तो ये किसका होगा, प्लस का, लेकिन जब टोटल योग करोगे इस कार्य का तो बच्चों वो शून्य आना चाहिए, क्यों, क्योंकि जहां से लेकर के आए हो वापस वहीं पर पहुंचा दिया है आपने, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो एक संपूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य होता है, ये भी कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं, तो अगर ये माइनस का है तो फिर ये प्लस का होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 15th, ये मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं आपको, आपको याद होगा, 16वां खुद कर सकते हो या करके बताओ, पढ़ो देखें एक बार के लिए सवाल। देखो सवाल को देखते हैं, अच्छा सवाल है,
पॉइंट 2 मीटर त्रिज्या के खोखले धातु के गिर रही। तो सवाल ही खत्म हो गया, खोखला बोल दिया। कैपिटल आर कितना? 0.2 मीटर। खोखला धातु का गोला और उसको 15 माइक्रोकुलाम का आवेश दिया गया है। कैपिटल क्यू का मान है 15 माइक्रोकुलाम। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ज्ञात कीजिए गोले के पृष्ठ पर विभव। अब मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ बच्चों, कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ के देखें एक बार के लिए। तो गोले का पृष्ठ कितनी दूरी पर होगा? आर बराबर 0.2 मीटर पे। तुमने लिखा वी एट सरफेस कितना? के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। के 9 × 10^9 कैपिटल, सॉरी क्यू का मान 15 × 10^-6 आर का मान मीटर में दिया हुआ है, 0.2 लिख दूं गया मैं। चलो सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व हो जाएगा मेरे से। ये क्या करें भाई, 10^3 लिख दूं यहाँ पर, ठीक है, गुणा 9 × 15 और ये पॉइंट है ना, इसका पॉइंट हटाओ ऊपर 10 से गुणा कर दो। ठीक, तो यहाँ पर 10 से गुणा कर दूंगा तो ये 10^4 हो जाएगा ना, और यहाँ पे किसका भाग लग गया? 2। चलिए 15 में कितना होता है, 15 में 135, 135 × 10^4 भाग लगाओ 6 बार 1, 7 बार, फिर क्या बच गया, ये बच गया 0.5, 10^4 वोल्ट। ये सतह पर विभव है भाई, वी एट सरफेस। ठीक है, आंसर मैच नहीं कर रहा है क्योंकि त्रुटि है। फिर अगला क्या बोल रहा है, गोले के केंद्र पर विभव। गोले का केंद्र मतलब यहाँ पर, और ये बात ध्यान रखो, गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव उतना ही होता है जितना सतह पर है, खोखले गोले के लिए। ठीक, तो केंद्र पर विभव की तुमने लिखा वी एट सेंटर जैसा पूछा है। वापस से के क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर ही होगा, और इसका मान कितना है, 67.5 × 10^4 वोल्ट। बात समझ में आ गई क्या? अगला देखो क्या बोल रहा है, गोले के केंद्र से 0.1 मीटर की दूरी पर विभव। गोले के केंद्र से 0.1, ये लो 0.1 मीटर, तो यही हुआ क्या, गोले के अंदर ही रहा ना, अंदर रहा तो इस बिंदु पर भी विभव उतना ही। तो हमने बोला V at R is equals to 0.1 मीटर। बात समझ रहे हो? ठीक, अंदर ही हुआ तो हमने लिखा ये किसके बराबर है, V inside के बराबर है। कितना आएगा, KQ divided by capital R आएगा, और ये सोल्व कर चुके हैं वापस से कितना, 67.5 × 10^4 वोल्ट। सारे वही आ रहे हैं बच्चों, एक ही कैलकुलेशन दी। गोले के केंद्र से 0.3 मीटर की दूरी पर, 0.3 मीटर, सोचो 0.2 से तो ज्यादा ही होता है, बाहर हो गया क्या? अब यहाँ पर चेंज हो जाएगा, वी एट आउटसाइड आएगा। वी एट आउटसाइड मतलब आर इज इक्वल टू 0.3 लिखोगे, और यहाँ पर क्या लिखोगे, आउटसाइड, और यहाँ पर क्या लिखना है, के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। देखो भाई, के 9 × 10^9, क्यू का मान जो आवेश 15 माइक्रोकूलम का था ना, 15 × 10^-6 डिवाइडेड बाय आर कैपिटल, सॉरी स्मॉल आर, 0.3। अब ये वाली कैलकुलेशन मेरे पास में जगह नहीं है तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है। 3 × 3 = 9, 1 × 10 = 10 कर देना 15 × 3 = 45, ये तो सही आएगा, 4.5 × 10^5 या 45 × 10^4 आएगा आपका आंसर, सही है। ठीक है, समझ में आया ये? बहुत सिंपल था बच्चों, आपको फॉर्मूला ही तो पता होना चाहिए था, फॉर्मूला पता है, काम खत्म हो गया हमारा। चलिए 17वां, देखो 17वां सवाल क्या है, स्मॉल आर त्रिज्या वाले समबाहु त्रिभुज के कोणों पर 3 बिंदु आवेश जो आपको दिए हुए हैं, रखे हुए हैं, निकाय की स्थिति ऊर्जा शून्य होने के लिए एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये भी अच्छा सवाल है बच्चों, क्या बोल रहा है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, ऐसा ही माने, ओके, आर बोल रहा है, आर भुजा का, तो ये आप ले लीजिएगा, और कोणों पर प्लस का क्यू, 2q और एक्स यू, इसका अरेंजमेंट आप कैसे भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या बोल रहा है कि इस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा जीरो करनी, और जीरो करने के लिए
एक्स का मान क्या होगा वो ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा था। तो तीन आवेशों से निर्मित निकाय है, क्या होगा भाई स्थितिज ऊर्जा, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर वन टू प्लस के क्यू वन क्यू थ्री डिवाइडेड बाय आर वन थ्री। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, इसके ऊपर डेरिवेशन भी आ सकता है। और ये स्थितिज ऊर्जा क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। और हमने डिफाइन कर लिया कि क्यू वन का मान तो हम क्यू मान रहे हैं, क्यू टू का मान हमने टू क्यू मान लिया, और क्यू थ्री का मान कितना मान लिया, एक्स क्यू मान लिया। तो मान रखो भाई के ऐसा का ऐसा, के तो आप चाहें तो कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और ये आर वन टू आर वन थ्री और ये आर, ये भी सभी बराबर है बच्चों। चलिए तो एक बार तो मैं ऐसे लिखता हूं के क्यू वन क्यू वन क्यू है और क्यू टू कितना है टू क्यू डिवाइडेड बाय दूरी तो आ रही है, सारी दूरियां बराबर ही है बच्चों, आ रही रखी जाएंगी। के क्यू वन और क्यू थ्री, क्यू वन और क्यू थ्री, क्यू को एक्स क्यू से गुणा करो डिवाइडेड बाय दूरी तो आ रही है। फिर के क्यू टू और क्यू थ्री, क्यू टू और क्यू थ्री मतलब टू क्यू को किससे गुणा करना है, एक्स क्यू से गुणा करना है, ठीक है, बटे क्या आर बराबर क्या जीरो। सोचो भाई क्या आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। तो के बटा आर को तो क्या लिया जा सकता है कॉमन, आप देखो तो क्यू क्यू यहाँ पर भी आ रहा है, क्यू और क्यू यहाँ पर भी आ रहा है, क्यू और क्यू यहाँ पर भी आ रहा है, मतलब क्यू स्क्वायर आ रहा है। तो क्यू स्क्वायर को भी क्या लिया कॉमन ले लिया, क्या बच रहा है दो प्लस एक्स प्लस टू एक्स हो गया यहाँ पर बराबर क्या जीरो। इन सभी को वश गुणा करोगे उस तरफ ले जाकर के जीरो हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा तीन एक्स और ये हो जाएगा दो बराबर में कितना बच्चों जीरो। तो तीन एक्स बराबर में माइनस का दो, तो एक्स बराबर में कितना हो जाएगा माइनस का दो बटा तीन। तो उस आवेश का मान मतलब इस वाले का क्यू थ्री का मान कितना होना चाहिए, माइनस का दो बटा तीन एक्स क्यू होना चाहिए। बात समझ में आ गई, डन हो गया। चलिए तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, इतने ही इसके न्यूमेरिकल थे। आपको अगर उदाहरण में कोई दिक्कत है बच्चों तो प्लीज हमें मैसेज कर सकते हैं आप। हैव अ गुड डे, टेक केयर बच्चों।